नमस्कार टकोदी गल पर एक बार परतिए तुसे सबने दा स्वागत है। टकोदी गल पर अस कोशिश करने हैं कि जम्मू कश्मीर दे लोगां दे जड़े मुद्दे न वो चुके जान, उन्दे जड़ी प्रॉब्लम हैं, उन्दे जड़े ग्रीवियंसेस हैं वो जड़े सुने जान और सरकार तक आवाज जड़ी है पहुंचाई जा सके। पर अज दा टकोदी गल थोड़ा खास है, थोड़ा अलग है। दरअसल अज राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी कि नैशनल यूथ डे है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर यह दिहाड़ा जिहड़ा मनाया जाता है। पिछले कई सालों तो लगातार इस दिहाड़े अस जिहड़ा सारे मिली के यूथ खास तौर पर यह सोचता है कि कुछ अस करा करते हैं, कि करी सकते हैं और कियां अस जम्मू कश्मीर ते देश की तरक्की च कंट्रीब्यूट करी सकते हैं और के साडी उम्मीदें के आकांक्षा उदे पर अज दी टकोदी गल च खास चर्चा करके साडे कोल त्रै वेरी ही यंग टैलेंटेड बड़े ही जड़े ने एक एंथुजियास्ट और बड़े अगर आखिए कि एनर्जी वाले त्रै युवा जड़े ने साडे कन्ने जुड़े दे और इंदे कन्ने के जानने की कोशिश करिए क्योंकि अज दा एक खास कार्यक्रम इसे इसे ने रखे है ताकि साडा जम्मू कश्मीर दा युवा किस के सोचे करदा है, के कुछ उसी चाहिदा है और के कुछ करना चाहता है देश वास्ते, जम्मू कश्मीर वास्ते, साडे समाज वास्ते, उदे बारे गल करते। सब तो पहले त्रै परौणे दा स्वागत करने हैं। अजीत मगोत्रा और जड़े कि एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, पिछले कई सालों तो लोगों की अपने इलाके की समस्या भी उजागर करा करने के यूथ लीडर एन और अपने जड़े युवा की ना लेके किस तरह अगे समाज की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है, उद्देश्य पूरी कोशिश करेगा। अजीत जी बड़ा बड़ा स्वागत है तुहाड़ा। प्रिया शर्मा जी भी साडे कने जुड़ी दी हैं जड़े कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू दी स्टूडेंट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ च फिलहाल अपनी डिग्री करा कर दी हैं और अस देखने अलग अलग इवेंट्स च अपनी एक बेहतरीन पार्टिसिपेशन जड़ी है देने की कोशिश करते हैं और अनु बागल और भी साडे कने जुड़ी चुकी दी हैं जड़े कि एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, एनएसएस वॉलंटियर हैं और लगातार अपने पिछले कई सालों तो लगातार जड़े कोशिश करा करते हैं कि समाज जस किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट करी सका उदे च प्रयास करी करते हैं। अनु बागल और कुल के सब तो पहले अस जानना चाहिए, अनु जी तुहाडे कोलों जानना चाहिए अज दा जड़ा युवा है, नेशनल यूथ डे अज है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद जी दी जड़ी पढ़ाई गई शिक्षा है अज याद करने दिहाड़ा और कन्ने के भी सोचने दिहाड़ा है कि किस तरह अस अपने अस्ते बेस्ट अपॉर्चुनिटीज जड़ियां ने उपर ओह जड़ियां ने खंगाली सकी और कन्ने के भी सोचे कि किन्ना जम्मू कश्मीर और देश की तरक्की अस कॉन्ट्रीब्यूट करना है। सब तो पहले मैं जिन्हें भी साढ़े गैस्ट हैं साढ़े परौने उन्दे कोलों सब तो पहले यह क्वेश्चन पूछना चाहगा अनुजी तुहाड़े कोलों शुरुआत करने कि अज दी डेट च जड़ा एक यंग जम्मू कश्मीर दा युवा है वह के सोचे करता है। अनुजी तुहाड़े रिमार्क्स। नमस्कार सर, यूथ डे दी सारें की बड़ी गे बधाइयां ने। ते अगर हम बात करें सर यूथ की, तो यूथ जो है वो बिल्डर है हमारे भारत वर्ष का, किसी भी कंट्री का वो एक बिल्डर है। और जब हम कंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम ही यूथ का आता है, तो यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि यूथ जो है वो एक ब्रिज है हमारे ग्लोरियस पास्ट को लेकर हमारे ग्रैंड फ्यूचर का। तो अगर यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो कुछ भी करेंगे, हमारे देश को एक नई तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हम आशा करते हैं हमें और आगे मिलेंगी। बहुत सारी चीजें, बहुत टैलेंट है। आप जम्मू की बात करें, जम्मू में बच्चों में इतना टैलेंट है, बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही है एक दिशा, एक मेंटोरशिप, एक गाइड हमें अगर मिलता जाए तो बहुत कुछ हम आगे करने की चाह रखते हैं और अपने देश को ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही गल तुसें इत्थे आखी है कि जम्मू कश्मीर दा युवा है पूरी एनर्जी नाल, पूरी अपनी मेहनत नाल और हर एक अगर प्रकार दा टैलेंट दी गल करचे तो जम्मू कश्मीर ही चाहे, बट चाहिदा कि एक प्रॉपर मेंटरशिप, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जड़ा लब्भे। प्रिया जी तुहाड़े कोलों जानना चाहंगे, बिंग स्टूडेंट अज दी डेट च तुसी के कुछ सोचदे हो जले आले दुआले जम्मू कश्मीर दी हालात तुस देखदे हो, चाहे वह तरक्की हुआ करदी है, चाहे अस अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट भी देखने हैं, बट कई सारी ऐसी चीजें जड़ी कि अस हमेशा देखने हैं कि हर एक एक जड़ा युवा आंदा वह चाहता है कि जले मैं इस प्लेटफॉर्म में जागा, जले मैं सही अपनी करियर की शुरुआत करगा कि मैं ये कर लगा, मैं वो कर लगा, बट अज दी डेट च तुस के कुछ सोचा करदे क्योंकि युवा के सोचेगा वो ही डिसाइड करता है कि साड़ा फ्यूचर जम्मू कश्मीर दा, साड़ा देश दा क्या होगा, के कुछ तुहाड़े विचार। सर मैं पहले तो सारे ही मेरी तरफों बड़ी मुबारखा हो नैशनल यूथ डे दियाँ, तो मैं ये आखन चाहूँ कि अस जिया दिखा दे कि जम्मू जड़ा साड़ा है, साड़ा जम्मू कश्मीर है, वो किस पेस कने डेवलप करा दा है, स्मार्ट सिटी च कन्वर्ट हुआ दा है,
ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ ਤੇ ਯੂਥ ਇਸ ਗੱਲ ਯੂਥ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਕੋਇਨ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਲੱਭਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ 15 to 59 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਯੂਥ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਣ ਯੂਥ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕੰਨੇ ਜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਐਨ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਕੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੇ ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯੂਥ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਸੀਕਰ ਥਮਾਂ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕਿਆ ਬਣੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ 1,40,00,000 ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਮੰਸ਼ਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਸਪੀਡ ਅਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਦਰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਖਿਆਲ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਯੂਆਈ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸ ਜੋਬ ਟੇਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋਬ ਸੀਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣੀ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਖੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸ ਗੱਲ ਕਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੂਈ ਤਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਮੀਦ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹਨ ਉਹਦੇ ਥਰਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਔਰ ਜੋਬ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜੁੜੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਯੁਵਾ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 80 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਦੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਯੁਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਦੌੜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪੂ ਚਲਾਈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖੁਦ ਆਪੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਯੁਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀ ਐਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕਰਨੇ ਅਸ 15 ਮੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਲਾਈ ਸਕਨੇ ਤੇ ਯੁਵਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਕਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਯੁਵਾ ਨੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਤਰ ਪਰ ਪੁੱਜੀ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹਟੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ
बिल्कुल, खास तौर पर तुसें जियां जिक्र कीता कि अस जियां जड़े भी साडा युवा है कियां अस मिली के नशे तो दूर रही के जड़ी समाजिक त्रुटियां साडे समाज च हैं उसी इग्नोर करदे हुए किस तरह अस जम्मू कश्मीर और देश ही कंट्रीब्यूट कर सकने हैं उदा भी प्रयास जड़ा जरूरी है। अनु जी कोल मैं परतिए जाना चाहगा। अनु जी तुहाडे कोल जानना चाहगे जियां जियां टेक्नोलॉजी बदा करती है, एक स्टडी करिए लंबा सफर तुसें तय किया, कई सारे जड़े तुहाडे साथी ने वह अलग अलग प्रदेश च भी गए होने, हो सकता है कि कई अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर होने, भी लगातार कोशिश करा कर दी हो। आज दी डेट जी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ कर दी है, उवां के लगातार अपॉर्चुनिटीज भी जड़ियां बदा कर दी हैं उदे उवें के आज देखने हैं कि आज दी डेट जी मुंबई मुंबई दा या बेंगलोर दा हैदराबाद दा दिल्ली दा एक मुड़ा जड़ा है वो अपने एक छोटा जा पेज बनांदा है फेसबुक पर या यूट्यूब पर चैनल बनांदा है ते पूरे देशे घूमदा भी है और कन्ने कन्ने पैसा भी कमा दा और ट्रैवलिंग करा दा और अपने वास्ते अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा दा। कियां तुस समझदे हो कि टेक्नोलॉजी दे चेंज कन्ने किस तरह साडे वास्ते अपॉर्चुनिटीज जड़ियां युवाएं वास्ते वो लगातार बनने करदी है जड़ियां लगातार बने करदी हैं और कन्ने के ये भी जानना जरूरी है कि कियां अस उसी क्रिएट कर सकने और कियां एक दूए दा सपोर्ट करने अस जड़ा अगने बदने दा प्रयास कर सकने। जी अनु जी अनु जी तुहानू मेरी आवाज आ रही है? शायद अनु जी को मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं प्रिया जी थोड़े को यस जी प्रिया जी मैं ये सवाल थोड़े को पूछना चाहगा जी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ कर दी है लगातार कि समझते हो कि अपॉर्चुनिटीज भी बदा कर दी है और उसी ग्रैब करने वास्ते किन्ना जरूरी है कि जी तुसे पहले भी जिक्र किया कि स्किल डेवलपमेंट पर काम करना जरूरी है। अस देखने सिर्फ लोगों ये उम्मीद हो जाती एक पास कि अस सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी करचे या फिर ऐसी नौकरी करचे जिदे 8 घंटे की जॉब है उस तो बाद स्किल पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। जिया जिया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ करती है कि अपॉर्चुनिटीज बदा कर दी बट उसके तैयारी भी कितनी ज्यादा जरूरी हुआ करती है। डिजिटलाइजेशन की गल की कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के चैलेंजेस आंदे ने कियां इह साडे वास्ते एक बूम बनी सकदा है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने किन्नी अपॉर्चुनिटीज आंदियां ने। सर डिजिटलाइजेशन इयां अस आखदे हां कि 100% अचीव होई गई दी है लेकिन डिजिटलाइजेशन करने एक और गल आंदी है जेड़ा लिटरेसी रेट 75% जेड़ी साड़ी पॉपुलेशन है यानी 2/3 पॉपुलेशन साड़ी लिटरेट है इंडिया च ते लिटरेसी करने जियां साड़ा डिजिटलाइजेशन 100% अचीव होई गेदा है ते ओदे करने जेड़ी साड़ी गवर्नमेंट स्कीम्स ने जेड़े आप अगर तुसे गल करो प्रधानमंत्री जेड़ा साड़ी जनधन योजना है ओदे अंदर साड़े कोल एक ऐप आंदी है जन दर्शक ऐप ते ए जेड़ी ऐप है एक टेक्नोलॉजी दा जेड़ा एक इंट्रूजन होया साड़े स्कीमे दे अंदर बाय द गवर्नमेंट ए एक बड़ा वड्डा एग्जाम्पल है कि कियां टेक्नोलॉजी दी इन्वॉल्वमेंट हो रही है साड़ी स्कीमे च दे अस अगर अस एग्रीकल्चर सेक्टर दी भी स्कीम्स दिखदे हां ओदे च भी साडे कोल जियां माइक्रो क्रेडिट दी फैसिलिटी आंदी है या तुस गल करदे हो साडे जेड़ी ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज जेड़े साडे फार्मर्स अवेल करा दे अगर MSP दी गल हुंदी है ते ए जेड़ा DBT आया है जेड़ा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है यानी कि उंदे अकाउंट च इंटरमीडिएरी कट्टी है जियां कि जेड़े बिच बंदे होंदे ना कि उंदे कोल डायरेक्ट ओ पैसा गवर्नमेंट दा नहीं पुजदा हा लेकिन विद द टेक्नोलॉजी के हो आदा है कि DBT दी फैसिलिटी कने टेक्नोलॉजी बदा कर दी अपॉर्चुनिटीज बदा कर दी साडे जम्मू कश्मीर के स्किल डेवलपमेंट पर भी जड़ा प्रयास और होना चाहिए ताकि युवा जड़ा है तैयार होए और किसी भी तरह का काम अगर उसी आंदा है अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उदे उससे पूरा रेडी रहे। बिल्कुल सर, पहले जो आपने मुझसे कहा कि आपके कुछ दोस्त बाहर की में गए होंगे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैं चाहती हूँ कि वो प्लेटफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में आए। यहाँ पे अभी लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है, बहुत गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है, हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि वो किस तरह यूथ को जिस तरह इस साल का जो थीम है
हमारा वो है विकसित युवा विकसित भारत। जब हमारा युवा विकसित होगा तो हमारा भारत अल्टीमेटली विकसित हो जाएगा। तो उसके लिए जो हमारी सरकार है वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ऐसे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज लेके आई है, बहुत डेवलपमेंट कोर्सेज लेके आई है जो हमारे प्रोफेशन को जो है वो उसमें हमारी बहुत हेल्प कर सकती है, रोजगार में हमारे यूथ को बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन एक जो मुझे इसमें बाधा लगती है वो लगती है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। तो लोगों को अवेयर करना जरूरी है, टैलेंट लोगों में बहुत है, स्किल लोगों में बहुत है। तो ये चीजें जम्मू में आए, स्टार्टअप्स शुरू हो, तो मुझे लगता है कि हमारा यूथ बाकी स्टेट से बहुत ज्यादा बेहतर कर सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत इनोवेशन, चाहे वो कश्मीर से, जम्मू से, लद्दाख से, बहुत इनोवेशन आ रहे हैं। अनु जी, मैं प्रति थोड़े को लगा एक ब्रेक का वेला हो चलिया, ब्रेक का वेला हो चलिया, इस ब्रेक पर ले लेने, उसके बाद ये चर्चा जड़ी है जारी रहो। ब्रेक तो बाद एक बार परतिए तुसे सबने दा स्वागत है टकोदी गल पर। चर्चा करा करने हैं आज राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे है, और किस तरह जम्मू कश्मीर दा युवा सोचा करता है और के कुछ जम्मू कश्मीर अस्ते देश अस्ते करना चाहता है, किस तरह आकांक्षा और के कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, उपर प्रयास किस तरह करी सकने अस उदे पर के गल करगे। अजीत मगोत्रा और भी साडे कने जुड़ी चुके हैं परतिए। अजीत जी, तुहाडे कोलों जानना चाहगे, जियां लगातार टेक्नोलॉजी चेंज होवा करदी है, अनु होरे भी आख्या और प्रिया होरे भी आख्या कि ऑपरचुनिटीज कई सारी मार्केट च अवेलेबल हैं, अस देखने आज दी रेडी च अगर तुहाडे कोल इक स्मार्टफोन है तो तुस घर बैठिए बड़ा कुछ कर सकते हो। लोग यूट्यूब चैनल खोला करते हैं, लोग ट्रेडिंग करा करते हैं, लोग छोटे छोटे अपने स्टार्टअप जड़े ने फोन तो के शुरू करा करते हैं, बट अवेयरनेस की कमी है। तुस मनते हो कि अवेयरनेस जड़ी है और करने की जरूरत है, और कि भी उन अलर्ट मोड पर आना चाहिए कि जी बेंगलोर या हैदराबाद या दिल्ली कर्नाटका का युवा जड़ा तेजी करने अगर वो कंपीट करा करता है वर्ल्ड करने, तो सानू भी और जड़ी जरूरत है कि अस और एक्टिव मोड ही चाहिए और दुनिया की चैलेंज करने से, दुनिया नाल कंपीट करने से अस पहले के तैयार होइए। तुस आखा दे बिल्कुल सही है कि तुसें एक गल पहले सुनाई कि एक युवा पूरे हिंदुस्तान विच एक सोशल मीडिया के माध्यम कन्ने पूरे हिंदुस्तान विच घूमी आई जांदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਰ ਉਸੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਛ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਆਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਟਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਚ ਲੈ ਲਓ, ਬੀਡੀਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਡੀਡੀਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਹਰ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ 3 ਟਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇ ਮੋੜੇ ਜਾਈ ਜਾਈਏ ਸਕੀਮਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਦੀਆਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਰਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਨੇ ਗੁੱਸੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, PMA ਸਕੀਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਾਏ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, अवेयरनेस की गल चला करती है। तुम मनो कि अवेयरनेस की जरूरत आई है, युवाएं भी और एक्टिव होने की जरूरत है ताकि जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उन्हें क्या ग्रैब करी सका। सर जियां कि तुसें मेंशन किया कि बैंगलोर ते जड़ी मेट्रोपोलिटन सिटीज ने, उधर दा जड़ा युवा है ओ किस तरीके कन्ने इन्हें अपॉर्चुनिटीज की अवेल करा दा है, ते ओ अलर्ट युवा है जियां कि तुसें मेंशन किया। सर मेरे ओपिनियन च ए गल है कि अवेयरनेस दी ते अलर्टनेस दी इक्वल अमाउंट जरूरत है। ओ इस कि जियां साढ़े साथी होरें दस्या कि प्रधानमंत्री होर हर घरे च न,
चाहे वो किसी भी स्कीम दे माध्यम च, लेकिन अस यूथ दी गल करदे होए ए गल आखदे आ जी, इवन अगर असें गी कोई सोशल मीडिया दे थ्रू या इंटरनेट गूगल दे थ्रू जिया भी किसी स्कीम दे बारे च जिया अस दिखदे आ जम्मू च अज बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगे होंदे ने स्कीमे दे, अलग अलग अस दिखदे आ जिया अस अपनी रोड़े उपर दिखदे आ काफी ज्यादा पैम्पलेट्स ने अलग अलग स्कीमे दे बारे च जेड़ा कि लोकें गी एक्चुअली अवेयरनेस प्रोवाइड करा दे, लेकिन अगर उत्थे पैम्पलेट लगे दा है लेकिन अगर अस अलर्टली उस पैम्पलेट गी नहीं दिखा करदे आ ते के फायदा, ओह किन्ने भी तुस पैम्पलेट लाई लो अगर अलर्टनेस नहीं है तो बिल्कुल 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 उन्हें पैम्पलेट दा कोई फायदा नहीं। ते मी लगदा है कि दोनों इक्वल अमाउंट जरूरी ने, अवेयरनेस क्रिएट करना ते उस अवेयरनेस गी लेइयै तुसें अलर्टनेस लियानी कि अच्छा अगर ये चीज है तो मैं इसी किस तरीके कन्ने ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी गी, मैं इसी कियां अपने जीवन च उतारना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट गल तुसें कही कि दोवें चीजां दी जिहड़ी है पैरेलली सानू जरूरत है कि जिथे सरकार या फिर अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि अस जिहड़ियां अपॉर्चुनिटियां क्रिएट करिए अवेयरनेस करिए, बट नाल कन्ने कन्ने के जिहड़ी अलर्टनेस दी जरूरत है वह बड़ी ज्यादा है। अनुज जी तुहाडे कोलों जानना चाहगे, जिहड़ा एजुकेशन कॉलेज भी तुसीं पढ़दे आ भी हो, असीं देखिया कि अज दी डेट च कई सारी ऐसी कंपनियां जो कि इन जॉब जिहड़े कॉलेज आई के यूनिवर्सिटी आई के प्लेसमेंट करा करदी हैं, बट अली भी अस देखने हैं थोड़ी खिचक होंदी है बच्चें कि अस जिहड़े जॉब असैप्ट करिए या कियां अस करी सकने हैं, तो लगता है काउंसलिंग दी एक कमी है जम्मू कश्मीर दे युवाएं की, और काउंसलिंग करने की जरूरत है या फिर ऐसे कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम सरकारी लेने की जरूरत है ताकि उदे पर ज्यादा काम किया जाए, और अगर बच्चा पहले के पता हो सी बारहवीं तो बाद कि मैं के करना है, ग्रेजुएशन तो बाद मैं के करना है, और मास्टर्स तो बाद मैं किस तरह अपनी जॉब वास्ते प्रिपरेशन करनी है, उदे पर उसी ज्यादा आसानी होनी कि मार्केट जल्ले भी हो जाए तो अपॉर्चुनिटी जी अवेलेबल है उसी आसानी कन्नै ग्रैब कर सके। बिल्कुल बिल्कुल जेकी तुसें गल आखी ते बिल्कुल सही आखी कि जी अनु जी को मैं जवाब ले लेना उस बाद जी तुहाडे को लागा। ठीक ठीक बिल्कुल सर, मैंने सबसे पहले ही जब मेरी बात हुई आपसे कहा है कि हमें एक प्रॉपर गाइडेंस और मेंटोरशिप की बहुत जरूरत है, यहाँ पर अगर कमी है तो काउंसलिंग की ही है। प्लेसमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है हमारे पास, बस एक बच्चे को उसकी स्किल का पता होना कि उसका इंटरेस्ट उसका पैशन किस चीज में है, वो किस चीज को बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक प्यूपल टीचर हूँ सर, और मुझे एक फ्यूचर टीचर बनना, और टीचर जो है वो नेशन बिल्डर होता है, तो अगर मुझे ही सही गाइडेंस नहीं मिलेगी, मुझे सही मेंटरशिप नहीं मिलेगी, तो मैं वो चीज कैसे कर पाऊंगी, मैं अपना 100% कैसे दे पाऊंगी। तो वो चीज है कि अगर 12th के बाद या सरकार की तरफ से या प्राइवेट कंपनीज कुछ ऐसा कर सकती हैं, एक स्टार्टअप हो सकता है किसी की तरफ से, कि अगर वो हमें मेंटोरशिप काउंसलिंग बच्चों को देना शुरू करें और उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो उनका फील्ड है जिसमें वो जाना चाहते हैं जिनमें उनका स्किल अच्छा है वो अगर उनको प्रोवाइड कर सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्योंकि इसी चीज की कमी है, टैलेंट बहुत है, पैशन बहुत है, बस बच्चों को सही गाइडेंस मेंटोरशिप की कमी से वो कहीं ना कहीं पीछे हैं, लेकिन जरूर अगर ये चीज हमें मिल जाए तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी सही इंपॉर्टेंट गल सी अजी जी, तुहाडे कोलों भी इसे सवाल पर मैं जवाब लेना चाहगा, तुहानू मैं रोकया है और हुण तुसीं जवाब अपना कंप्लीट कर सकदे हो। हाँ सर बिल्कुल सही बोलिया तुसें कि इहदे पर जेके जिसे 10+2 एक बच्चा करदा फैमिली पर बच्चे पर ध्यान होता कि बच्चा के चाहता कि केड़ी लाइन बिच जाना चाहिए। एक साड़ी साथी ने दसिया कि अजकल ऐसी ऐसा स्कीम बड़िया आई दया, लेकिन आखने का मेरा यह मतलब है कि जिसल बच्चा पढ़ता वह इंटरस्ट के जॉब करना चाहता मार्केटिंग करना चाहता किस बिच फील्ड बिच जाना चाहता, पेरेंट्स की बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है कि बच्चा जिस दिशा पर जाना चाहता उस दिशा पर उसी ले चलो ताकि वह आने टाइम पर अपना अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाई सके। ये मेरा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल तुसें सही गल आखी, और अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, साढ़े त्राए परौने अजीत मंगोत्रा और प्रिया शर्मा और साढ़े कन्ने अनु बागल और जुड़ी दियां हैं, इन्होंने अपने विचार जड़े सांझे किते, और अज नेशनल यूथ डे दियां एक बार परतिए तुसें सबने की स्वागत मुबारखां देने, और कन्ने के अस कोशिश करगे कि इस तरह की डिबेट जड़ी और होंदी रहन ताकि जड़ा युवा के सोचदा है और के कुछ उसी चाहिदा है और के अग्गे करना चाहता है उसके बारे च भी गलबात होंदी रहे ताकि साढ़ा जड़ा नेशन बिल्डर है
जम्मू कश्मीर आस्ते देश आस्ते किस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहता है और करी सकता है और करे करता है उदे पर जड़ी गलबात होंदी रही। फिलहाल दे लई आज दे इस खास डिबेट तो दियो इजाजत और इसी तरह बने रहो न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल नाल बाकी अपडेट्स लई। धन्यवाद।